खबर रीवा जिले से है, जहां लड़की के साथ हुई मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि देर रात लगभग 1 बजे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले की पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि मऊगंज थाना क्षेत्र में लड़की के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने पहले आरोपी के खिलाफ सिर्फ 151 के तहत कार्यवाही की थी, लेकिन उक्त वीडियो चैनलों में चलने के बाद पुलिस युवती के पास पहुंची और समझाइश दी, जिसके बाद शिकायत दर्ज कराई गई और मारपीट करने वाले और उस घटना का वीडियो बनाकर वायरल करने वाले और एक अन्य के खिलाफ पुलिस ने अपहरण, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस ने एक युवक को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मुख्य आरोपी पंकज त्रिपाठी फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया आरोपी मऊगंज थाना क्षेत्र के ढेरा का रहने वाला है, जो शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर ले जाना चाहता था और विरोध करने पर मारपीट किया था। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने क्या जानकारी दी है। कुछ नहीं करेगी, चला दी पहले नहीं सुना ये चलना ले। अरे भाई किस कर ऐसे कहो कैसे कर रहे शादी कैसे कर रहे। मुख्य आरोपी पकड़ा गया है सर यूपी से। मऊगंज वाली घटना में एक आरोपी पुलिस ने कल ही राउंड अप कर लिया था और जिस आरोपी ने मारपीट की थी उसके लिए लगातार हमारी टीमें सक्रिय थी, जिनको कल रात में सफलता मिली है और उसको उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से जाके राउंड अप किया गया है। अभी प्रकरण की विवेचना जारी है और आरोपियों की अरेस्टिंग के पश्चात उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस क्रम में ये देखने में आया कि टीआई मऊगंज द्वारा तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई, महिला संबंधी अपराध में जो संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी उसे देखते हुए उनको निलंबित किया जाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है और इस प्रकरण की जांच एडिशनल एसपी मऊगंज को सौंपी गई है। सर क्या अब मुख्य आरोपी के यहाँ बुलडोजर चलेगा क्या सर? अभी इसमें जो हमारी टीमें हैं ज्वाइंट रूप से भी भ्रमण करके और राजस्व विभाग से अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करके उसका परीक्षण कर रहे हैं, उसके पश्चात जो भी अन्य कार्रवाई होंगी संपादित की जाएंगी।